हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से खेलों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अपन देखते हैं कि हाल फिलहाल में जितनी भी एग्जाम हुई है, स्पोर्ट्स से हमेशा दो या दो से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से IPL से जुड़े हुए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि IPL 2022 का खिताब, अपन बात करें कि IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। तो आपको बता दूं कि IPL की शुरुआत कब हुई थी, IPL की 2008 में शुरुआत हुई थी और 2022 तक कुल 15 टूर्नामेंट IPL के हो चुके हैं। तो अपन बात करें कि IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता, तो IPL 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता। आपको बता दूं कि IPL में पहले कुल 8 टीमें थी 2021 तक, उसके बाद में 2022 में दो नई टीमें और जोड़ी गई जिसमें पहली टीम है गुजरात और दूसरी टीम है लखनऊ। दो टीमें, पहली गुजरात टाइटंस और दूसरी है लखनऊ, दो नई टीमें जोड़ी गई जिसके बाद में संख्या हो गई 10। कुल टीमें कितनी हो गई, 10। और आपको बता दूं कि 2022 का जो खिताब है वह गुजरात टाइटंस ने जीता, जिसका कप्तान है हार्दिक पांड्या, जिसको आप सभी जानते हो। चलो आगे देखते हैं। इसमें आपको बता दूं कि इसी में कि इसका जो स्पॉन्सर है, IPL 2022 का जो स्पॉन्सर है, प्रायोजक कंपनी है वह टाटा। कौन सी कंपनी है भाई, टाटा कंपनी। IPL 2022 का स्पॉन्सर टीम है वह टाटा कंपनी है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की जो IPL है उनके किसके द्वारा करवाए जाते हैं IPL। तो आपको बता दूं कि BCCI के द्वारा करवाए जाते हैं, और आपको बता दूं कि BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि BCCI जो है वो क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड है भारत का। उसकी बात करें कि स्थापना कब हुई इसकी, तो 1928 में मुंबई महाराष्ट्र में BCCI की स्थापना हुई। और अपन बात करें कि BCCI का अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली। और अपन बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष है राजीव शुक्ला जी। और अपन बात करें सचिव की, सचिव कौन है, जय सहाय। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें IPL की शुरुआत, अपन बात करें कि IPL की शुरुआत कब हुई, तो IPL की शुरुआत हुई थी, IPL की शुरुआत कब हुई थी, 2008 में। IPL की शुरुआत कब हुई, 2008 में, जिसकी विजेता टीम थी IPL की 2008 की राजस्थान रॉयल। अपन बात करें कि IPL 2009 और 2016 दो बार हैदराबाद ने दो IPL 2009 और 16 दोनों टूर्नामेंट जीते हैं। और अपन बात करें 2010, 11, 18 और 21, तो चार बार चेन्नई सुपर किंग। और अपन बात करें 2012 और 14 का टूर्नामेंट कोलकाता ने, कोलकाता टीम दो बार IPL जीत चुकी है। और अपन बात करें सर्वाधिक बार किस टीम ने IPL जीता, तो अपन बात करें इसकी, तो यह मुंबई, जिसने पांच बार IPL के टूर्नामेंट जीते हैं, जो कि 2013, 15, 17, 19 और 2020। अपन बात करें कि 2022 का हाल ही में किसने जीता, गुजरात ने। ठीक है भाई, 2021 तक 8 टीमें थी, 2022 में दो नई टीमें गुजरात और लखनऊ को जोड़कर 10 टीमें हो गई टोटल। क्योंकि अपन थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि अपन इसको कम समय में पूरे क्वेश्चंस को हल कर सकें। ठीक है भाई, अगला अपन देखते हैं। IPL 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, किस स्टेडियम में खेला गया भाई, स्टेडियम कौन सा था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है, गुजरात में। और गुजरात में कहां पे है, अहमदाबाद में। गुजरात में कहां पे है, इसको पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, फिर इसका नाम परिवर्तन कर श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, जो कि किसके नाम पे है, अपने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। ठीक है भाई, अपन बात करें कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अपन बात करें कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न था, जो कि अब दूसरे स्थान पर है, किस स्थान पर, अब दूसरे स्थान पर है। आपको बता दूं RCA स्टेडियम जो कि जयपुर, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है भाई,
तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बनने जा रहा है? जयपुर में, भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अपन बात करें कि आईपीएल 2022 किस देश में खेला गया। आईपीएल 2022 किस देश में खेला गया भाई? तो आपको बता दूं, आईपीएल 2022 है वह भारत में खेला गया भाई। आईपीएल 2022 के जितने भी टूर्नामेंट हुए भारत में हुए हैं। आपको बता दूं कि आईपीएल 2021 के जो टूर्नामेंट हुए थे वो यूएई और ओमान देश में खेले गए थे। किस कारण खेले गए थे? कोरोना की वजह से। किसकी वजह से? कोविड की वजह से यह मैच यूएई और ओमान में खेले गए। अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण खेला गया? आईपीएल 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया? तो कौन सा खेला गया भाई? 15वां संस्करण। ठीक है भाई, आगे अपन देखते हैं, 26 मार्च 2022 को आईपीएल का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? किन दो टीमों के बीच खेला गया भाई आईपीएल 2022 26 मार्च? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी 2022 वाले की? 26 मार्च को। और फाइनल मैच कब हुआ था? फाइनल हुआ था 29 मई को, जो कि गुजरात ने जीता। ठीक है, तो अपन बात करें इसकी किन दो टीमों के बीच में खेला गया, तो सुपर किंग चेन्नई और कोलकाता नाइट राइडर्स, और विजेता टीम कौन सी थी? कोलकाता नाइट राइडर्स। आगे अपन बात करें आईपीएल 2022 की प्रायोजक कंपनी, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रायोजक जो कंपनी थी वो टाटा। कौन सी थी भाई? टाटा 2022 की प्रायोजक कंपनी थी। बात करें 2021 की कौन सी थी? वीवो। ठीक है भाई, आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप खिताब जीता? आईपीएल 2022 का ऑरेंज कैप खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो आपको बता दूं, ऑरेंज कैप जो किताब है, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दो खिताब होते हैं भाई। ये दिया जाता है गेंदबाज को और ये दिया जाता है बैट्समैन को, जो बैट्समैन होता है उसको दिया जाता है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दिया जाता है गेंदबाज को। तो आपको बता दूं, ये दिया गया जोस बटलर को। किसको दिया गया? ऑरेंज कैप जोस बटलर को, और पर्पल कैप किसको दिया गया? युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल जो कि भारत का गेंदबाज है, स्पिनर गेंदबाज है, और इसको यह 27 विकेट, सर्वाधिक 27 विकेट लिए इसने 2022 में। और पर्पल कैप ऑरेंज कैप जिसको मिला वो मिला जोस बटलर को, जिसने 863 सर्वाधिक रन बनाए भाई। आपको बता दूं कि दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान रॉयल टीम के हैं, दोनों ही खिलाड़ी। ठीक है, आपको बता दूं कि भारतीय खिलाड़ी जिसने सर्वाधिक रन बनाए आईपीएल 2022 में, वह खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी जिसने सर्वाधिक रन बनाए, तो उसमें कौन है भाई? केएल राहुल, जो कि लखनऊ टीम का कप्तान है और जिसने 616 रन बनाए। आपको बता दूं कि जोस बटलर है वह इंग्लैंड टीम का खिलाड़ी है भाई। ठीक है, अपन बात करें आगे इसमें कि आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप खिताब जीता? तो अभी आपको मैंने बताया कि किसने जीता, युजवेंद्र चहल ने। कितने विकेट? 27 विकेट लिए। और कौन सी टीम का खिलाड़ी है भाई? राजस्थान रॉयल टीम का खिलाड़ी है। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वाला युजवेंद्र चहल आईपीएल 2022। आगे अपन बात करें कि आईपीएल 2022 की विजेता टीम गुजरात टाइटंस को कितनी राशि दी गई भाई? राशि की अपन अगर बात करें तो विजेता और उपविजेता, राशि की अपन आईपीएल में बात करें, विजेता और उपविजेता टीम दोनों को अलग अलग राशि दी जाती है भाई इसमें। तो अगर अपन राशि की बात करें तो विजेता टीम को दिए जाते हैं 20 करोड़ रुपए, और अपन उपविजेता टीम की बात करें तो उपविजेता टीम को दिए जाते हैं 13 करोड़ रुपए। तो 13 करोड़ किसने लिए? राजस्थान ने, और 20 करोड़ गुजरात।
20 करोड़ किसको दिए गए? विजेता टीम गुजरात को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं इसमें। आगे अपन देखते हैं आईपीएल 2022 बोली में सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल 2022 की जो बोली लगती है खिलाड़ियों को जो टीमें खरीदते हैं, तो उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था भाई? ईशान किशन, जो कि मुंबई इंडियंस। किस टीम ने खरीदा? मुंबई इंडियंस ने, जो कि नीता अंबानी की टीम है। और उसने कितने रुपए में खरीदा? 15.25 करोड़ रुपए में इस खिलाड़ी को खरीदा था, जो कि आईपीएल 2022 का सबसे महंगा खिलाड़ी था भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक चौके, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक चौके, 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी। तो आपको बता दूं कि आईपीएल के इतिहास में अब तक 700 या 700 से अधिक चौके लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी है, वह है शिखर धवन। कौन है भाई? शिखर धवन, जो कि आईपीएल 2022 में पंजाब किंग्स 11 पंजाब की टीम से खेला था। ठीक है भाई, आगे अपन बात करें आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी ने एक मैच में सर्वाधिक रन, अपन बात करें कि किस खिलाड़ी ने एक ही मैच में सर्वाधिक रन बनाए। सर्वाधिक रन कितने बनाए? 140 रन। आईपीएल 2022 के सर्वाधिक रन है 140 रन। और किसने बनाए भाई? क्विंटन डी कॉक ने। आपको बता दूं कि क्विंटन डी कॉक किस टीम के खिलाड़ी थे? तो ये थे लखनऊ। किस टीम की ओर से खेले? लखनऊ की ओर से। ठीक है भाई, और आपको बता दूं कि इसके कप्तान कौन थे? केएल राहुल। लखनऊ टीम के कप्तान कौन थे? केएल राहुल। आगे चलते हैं इसमें। आगे अपन देखते हैं कि आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी को बेस्ट बॉलिंग फिगर खिताब दिया गया। आपको बता दूं कि बेस्ट बॉलिंग फिगर अवार्ड मतलब कि कम रनों में अधिक विकेट लेना। तो ये 2022 का जो खिताब है, यह किसको दिया गया? जसप्रीत बुमराह को। आपको बता दूं कि इस अवार्ड में एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे है अनिल कुंबले, स्पिनर, जो भारत के खिलाड़ी हैं, जिसने 2009 में पांच विकेट लिए। उसी कड़ी में अपन देखते हैं दूसरे नंबर पे युजवेंद्र, ये जसप्रीत बुमराह हो गए। और अपन तीसरे नंबर पे अगर देखें तो 5 विकेट 12 रन देकर किसने लिए भाई? ईशांत शर्मा ने। ईशांत शर्मा ने 12 रन देकर 5 विकेट लिए। अनिल कुंबले एक नंबर पे हैं और दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह हो गए, जिसने 10 रन देकर 5 विकेट लिए भाई। कितने रन देकर? 10 रन देकर 5 विकेट लिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। आईपीएल 2022 में किस खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का खिताब दिया गया? तो आपको बता दो आईपीएल 2022 में मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन है भाई? जोस बटलर, जो कि राजस्थान, कौन सी टीम का है? राजस्थान रॉयल्स। किस टीम का खिलाड़ी है भाई? राजस्थान रॉयल्स का बैट्समैन है, जिसके 387.5 पॉइंट्स थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसमें। आईपीएल 2022 में फेयर प्ले का खिताब किस टीम को दिया गया? फेयर प्ले का खिताब होता है भाई कि अनुशासन, सबसे बढ़िया डिसिप्लिन किस टीम का रहा, किस टीम मैनेजमेंट का रहा? तो अपन बात करें इसमें तो यह दिया गया राजस्थान रॉयल को। आगे अपन देखते हैं। हाँ, ये आपका आज का है ना अंतिम क्वेश्चन था भाई। अपना आज का अंतिम क्वेश्चन कौन सा था? फेयर प्ले अवार्ड, जो कि राजस्थान टीम को दिया गया। तो अपन ने देखा इसमें कि आईपीएल से जितने भी अपने मोस्टली क्वेश्चन बनने वाले थे और जो एग्जाम में आने की संभावना थी, उन्हीं के ऊपर अपन ने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आने वाले एग्जाम में आईपीएल से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जय हिंद।